हेलो गाइस, वेलकम टू डीके मैथ्स एजुकेशन। तो इस वीडियो में मैं अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स एक नया चैप्टर चालू कर रहा हूँ, जिसका मैं एक्सरसाइज 4.1 ऑल क्वेश्चन के साथ कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना। तो बढ़ते इसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट्स बाय मियर ऑब्जर्वेशन। तो मियर ऑब्जर्वेशन मतलब देख के कंपेयर करना, ऑब्जर्व करना, देख के ये इतना सेंटीमीटर ये इतना सेंटीमीटर बताना। तो क्या डिसएडवांटेज है अगर हम दो लाइन सेगमेंट को कंपेयर करें और देख के उसके साइज बताए इक्वल है नहीं है ऐसा। तो यहाँ पे मैंने दो लाइन बनाई, ये और ये। तो मैं इसको देखूँ तो ये दोनों सेम लग रहा है, तो मैं इसको इक्वल बोल दूँगा। पर अगर मैं स्केल से अगर देखने जाऊँ तो स्केल जो होता है उसमें मिलीमीटर्स होते हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो मैं क्लियर नहीं देख सकता। तो ये जो दो लाइन्स है उसको मैंने एक बार कंपेयर कर चुका है। तो ये जो ऊपर वाला लाइन है वो है 13 सेंटीमीटर का, और जो नीचे वाला है वो 13.1 सेंटीमीटर का है। तो मैं इसे पहले इक्वल बोल रहा था, पर ये थोड़ा इधर से एक्सटेंड लग रहा है, तो ये थोड़ा 13.1 सेंटीमीटर है। यही इसका डिसएडवांटेज है कि हम लोग क्लियर नहीं बता सकते कितने सेंटीमीटर का है ये। इसमें ये जो है 0.1 मिलीमीटर से आगे है, 0.1 है ना इसमें, तो ये थोड़ा सा बड़ा है उस लाइन से, थोड़ा सा एकदम बड़ा है। तो इस क्वेश्चन के मैंने एक बार आंसर को एक बार इंग्लिश स्टेटमेंट में लिख दिया है। तो समटाइम्स द डिफरेंस इन लेंथ बिटवीन टू लाइन सेगमेंट इज नॉट ऑब्वियस। ये तो इस स्टेटमेंट का मतलब है कि कभी कभी जो हम लोग लेंथ लेते हैं जो भी दो लाइन का सेगमेंट्स का, उसका जो डिफरेंस रहता है कभी कभी ऑब्वियस नहीं होता, मतलब बराबर नहीं होता। हम लोग को लगता है पर वो बराबर नहीं होता, उसमें 0.1 0.2 ऐसे में डिफरेंस मिल जाता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज। तो बढ़ते सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है कि वाई इज़ इट बेटर टू यूज़ अ डिवाइडर देन विद अ रूलर वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो मैं पहले एक लाइन सेगमेंट बना देता हूँ। तो क्वेश्चन है कि क्यों ये बेटर है कि अगर हम लोग एक डिवाइडर से अगर एक लेंथ मेजर करें और रूलर से एक मेजर करें, तो डिवाइडर का जो लेंथ होता है वो कभी भी अच्छा क्यों होता है, बेटर क्यों होता है रूलर से। कभी भी आप देखा जाए तो हम लोग लेंथ जो है वो रूलर से ही नापते हैं, मतलब स्केल से हम लोग कभी भी लाइन को हम लोग मेजर करते हैं। पर अभी मेरे पास डिवाइडर अवेलेबल नहीं है। डिवाइडर कुछ ऐसा होता है, उसके दो एंड होते हैं, ऐसे ऐसे दो लाइन होता है। तो वो दोनों लाइन को हम लोग एक साइड इस तरफ और एक साइड इस तरफ ऐसे लगा देते हैं। फिर स्केल में वो दो इसको फिक्स करने के बाद हम लोग स्केल में वो मेजर करते हैं, स्केल में रख के वो मेजर करते हैं। तो इससे हम लोग को एकदम एग्जैक्ट पता चल जाता है। और कभी कभी स्केल से डिसएडवांटेज ये है कि अगर हम लोग स्केल से अगर मेजर करेंगे तो वो थोड़ा पॉइंट से, कभी अगर हमने स्केल से मेजर किया तो वो पॉइंट में डिफरेंस आ सकता है, कभी 0.1 का डिफरेंस आ सकता है, 0.2 का डिफरेंस आ सकता है उसमें। पर कभी भी अगर हम लोग डिवाइडर यूज़ करें तो उसका एकदम परफेक्ट आंसर रहता है, क्योंकि हम लोग का जो डिवाइडर रहता है उसका फिक्स्ड पॉइंट रहता है। तो यही है डिसएडवांटेज कि कभी भी अगर हम लोग एक रूलर से मेजर करें तो उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है 0.1 0.2 का, पर डिवाइडर से जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाती है हमें। तो बढ़ते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन है कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट से ए बी। तो हम लोग को पहले एक लाइन सेगमेंट बनाना है ए बी। टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी। तो पहले मैं एक लाइन ए बी बना देता हूँ। तो ये लाइन मैंने ए बी बना दी। तो अब मेजर द लेंथ ऑफ ए बी एंड बी सी। पहले इस टेक एनी पॉइंट सी, सी हमें कोई भी पॉइंट इसके बीच में बनाना है। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट इसके बीच में सी बना दिया। तो अभी वो लोग बोल रहे कि ए बी को मेजर करो, ए बी को मेजर करना है, बी सी को मेजर करना है और ए सी को भी मेजर करना है, ए सी को भी मेजर करना है। फिर उन लोग ने बोला है कि मेजर करने के बाद ये देखो कि ए बी जो है वो ए सी प्लस ए बी है कि नहीं। तो पहले मैं इसके मेजर करके आंसर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने मेजरमेंट्स लिख चुका है। ए बी जो मैंने जब नोट किया तो वो था 21 सेंटीमीटर, ए सी जो था वो 12 सेंटीमीटर और सी बी बी सी जो है वो है 9 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर्स है। तो अभी वो लोग बोल रहे कि ए बी जो है वो ए सी प्लस बी सी ए बी है कि नहीं। तो हम लोग को ये
ए जो जो सेंटीमीटर से यहाँ पे हमने नोट किया है वो इस सब की जगह पे डालना है और देखना कि वो जो इक्वल है कि नहीं। तो मैं ए बी की जगह पे डाल देता हूँ 21 और ए सी की जगह पे 12 और बी सी की जगह पे 9। तो 21 इक्वल टू 12 + 9 होता है 21। तो ये ए बी जो है वो ए सी प्लस ए बी के इक्वल है क्योंकि हम लोग का दोनों आंसर जो है वो सेम है। ये हम लोग देख के भी पता कर सकते क्योंकि ए बी जो है वो हमेशा ए सी प्लस सी बी बी सी सेम ही है। ये जो बड़ा लाइन है वो इन दो लाइन के इक्वल होगा, मतलब सम होगा इसके। ये लाइन को अगर हम ये लाइन से अगर प्लस करेंगे तो वो इस बड़े लाइन के इक्वल होगा। तो बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन है कि इफ़ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन। तो मैं एक लाइन बना देता हूँ और इसमें ए बी सी पॉइंट मार्क कर देता हूँ, ए बी सी। तो ऑन अ लाइन सच दैट ए बी इज़ इक्वल टू 5, ए बी 5 सेंटीमीटर है, बी सी जो है वो 3 सेंटीमीटर है और जो ए सी बड़ा लाइन है पूरा यह 8 सेंटीमीटर। विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू। तो इनमें से कौन सा सबसे बीच वाला पॉइंट है। तो ए सी के बीच में तो बी पॉइंट हो तो देख के पता चल रहा है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहे कि जो बीच वाला पॉइंट है जो दो के बीच, दो पॉइंट के बीच मारा है, ए और सी के जो बीच मारा है वो पॉइंट कौन सा है। तो हम लोग को दिख रहा है ये बी पॉइंट जो है वो ए सी के बीच में। तो बढ़ते हैं, तो इसका आंसर है बी पॉइंट इज लाइज बिटवीन ए एंड सी। तो आप लोग को इसे ऐसे लिखना है। तो बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फिफ्थ क्वेश्चन की वेरीफाई वेदर इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत लिखा था। क्वेश्चन है कि वेरीफाई वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। ए जी जो लाइन है वो इतना है बस, जो लाइन ए जी है वो बस इतना, ये सब जो है एक्स्ट्रा है। ए जी जो है वो बस इतना है, ए से लेके जी तक वही है ए जी। तो वो लोग पूछ रहे कि जो डी है वो ए जी का मिड पॉइंट है, मतलब मिडल पॉइंट। मिड पॉइंट होता है मिडल पॉइंट, मिडल पॉइंट जो होता है वो अगर कोई किसी भी लाइन का अगर ये मिडल पॉइंट है तो वो इस लाइन को इस लाइन के साथ कट कर रहा है। तो ये जो दो लाइन है वो इक्वल है, अगर ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर है क्योंकि ये इसका मिडल पॉइंट है। मिडल पॉइंट जो रहता है इस चीज़ को इक्वल में कट कर देता है। तो इस डायग्राम में ये जो मैंने बनाया ये सब जो चीज़ है वो एकदम इक्वल में है। ये जो स्पेस जो है, ये स्पेस, ये स्पेस, ये स्पेस सब इक्वल है। तो ये कितने लाइन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स है। ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ जी, इनके बीच में जो गैप्स है ना ये सब इक्वल गैप्स है। तो जो डी है वो मिड पॉइंट कैसे होगा। तो डी मिड पॉइंट हम लोग को बताने के लिए हम लोग को कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। मैं एज्यूम ये कर रहा हूँ कि ए बी जो है ना वो 1 यूनिट है। तो मैं इधर ए बी इज़ इक्वल टू 1 यूनिट लिख देता हूँ। अगर ए बी 1 यूनिट है तो बी सी भी 1 यूनिट है, सी डी भी 1 यूनिट है, डी ई भी 1 यूनिट है, ई एफ भी 1 यूनिट है, एफ जी भी 1 ही यूनिट है क्योंकि ये सब जो गैप्स है इक्वल है। तो बी सी भी 1 यूनिट ही होगा, सी डी भी 1 यूनिट होगा, सब एक एक यूनिट होंगे। तो यहाँ पे ए से लेके डी तक कितने यूनिट्स है, 1 2 3 3 यूनिट्स है। तो ए डी जो है वो है 3 यूनिट। अब डी से लेके जी तक देखते हैं, अगर ए डी और डी जी इक्वल होते हैं तो डी जो होगा वो एक मिड पॉइंट होगा क्योंकि मैंने बताया था जो मिड पॉइंट होता है वो बीच से काटते, तो ये दोनों लाइन इक्वल होते हैं। तो अगर ए डी और डी जी इक्वल होते हैं तो डी पक्का एक मिड पॉइंट होगा। तो ए डी है 3 यूनिट्स और डी जी 1 2 3, डी जी भी 3 यूनिट्स है। तो इससे पता चल जाता है कि हम लोग को ए डी जो है वो डी जी के इक्वल है और डी जो है इससे हमें पता चलता है वो एक मिड पॉइंट है। डी इज़ अ मिड पॉइंट, मिडल पॉइंट है डी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सिक्स क्वेश्चन है कि इफ़ बी इज़ द मिडल पॉइंट ऑफ ए सी। मिडल पॉइंट, मिड पॉइंट सेम होता है। तो बोल रहे कि अगर बी जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है, तो हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं, बी जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है।
AC, एंड C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD, BD का मिड पॉइंट है C, C BD का, और AB CD लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, और ये जो ABCD जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं, मतलब है से वाई AB इज इक्वल टू CD, हम लोग को बताना है कि AB जो है वो CD के इक्वल है, AB है CD के इक्वल है। तो इसके लिए हम लोग को फिर पिछले क्वेश्चन की तरह अज्यूम करना पड़ेगा, तो AB जो है वो BC के इक्वल है, क्यों? क्योंकि B जो है वो इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो वो इन दोनों को इक्वल बना रहा है, तो इससे हम लोग को पता चल जाता है कि AB जो है वो BC के इक्वल है, और BD में BC CD इक्वल है क्योंकि C एक मिड पॉइंट है। अगर AB BC के इक्वल है और BC CD के इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि AB जो है वो BC से इक्वल है और CD जो है वो इससे इक्वल है, तो ये दोनों दोनों में आ रहा है, अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो इससे हमें पता चल जाता है कि AB जो है वो CD के इक्वल है। तो जो क्वेश्चन में पूछा था वो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है, ये कैसे हुआ? क्योंकि AB जो है वो BC के इक्वल है, पर BC जो है वो CD के इक्वल है, और ये दोनों स्टेटमेंट में ये इक्वेशन समझ लेते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट में BC BC आ रहा है, तो इससे हम लोग को पता चल जाता है कि AB जो है वो CD से भी इक्वल हो जाता है। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, तो सेवेंथ क्वेश्चन है कि ड्रॉ 5 ट्रायंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स, चेक इन ईच केस इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। तो ये क्वेश्चन है कि हम लोग को 5 ट्रायंगल बनाने हैं और उसमें हम लोग को सारे लेंथ्स को मेजर करना है और दो दो साइड्स को ऐड करके देखना है कि वो थर्ड साइड से कम है कि नहीं। तो हम लोग मैंने यहाँ पे 4 ट्रायंगल बनाए, इसके बाद मैं और एक ट्रायंगल बनाऊंगा। यहाँ पे पहले ट्रायंगल में मैंने 2, 3, 4 साइड्स लिए है, तो मैंने 2 + 3 किया, फिर एक बार 3 + 4 किया, एक बार 4 + 2 किया, यहाँ पे 3 केस होते हैं, तो मैंने तीनों केस ट्राई किए, तीनों केस में जो आंसर आ रहा है वो बड़ा हो रहा है थर्ड साइड से, ऐसा कोई केस नहीं आ रहा जिसमें जो थर्ड साइड से ग्रे लेस हो, कोई भी सब में देख रहे हो आप जो आंसर है वो ग्रेटर है, यहाँ पे 7 आंसर है वो भी ग्रेटर है थर्ड साइड से, यहाँ पे 6 आया वो भी ग्रेटर है थर्ड साइड से, जो भी आंसर आ रहा है सब है ग्रेटर। तो यहाँ पे सेकेंड ट्राइंगल में भी देख सकते हो सब ग्रेटर आया है, आप लोग ये खुद से आप लोग कुछ भी यहाँ पे मेजर लेके कर सकते हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि कभी भी अगर कोई नंबर है वो लेस हो जाए, कम हो जाए, ये बढ़ जाए, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी, हम लोग जो प्लस करके आंसर निकालेंगे वही कभी भी बड़ा होता है, यहाँ पे हर साइड आप देख सकते हो सब ग्रेटर आया है। तो मैं और एक कोई भी एक ट्राइंगल बना के उस पर भी दिखा देता हूँ, 5th ट्राइंगल, यहाँ पे मैंने 4 ट्राइंगल बनाए और एक ट्राइंगल बनाऊंगा, तो यहाँ पे मैंने 5th ट्राइंगल भी बनाया, 5th ट्राइंगल में मैंने थोड़े बड़े बड़े मेजर्स लिए, बड़े मेजर्स लेके भी जो मेरा दो साइड को प्लस करके आ रहा है वो कभी भी ग्रेटर ही हो रहा है। तो इस आइडिया ये 5 ट्राइंगल से हम लोग को ये पता चल जाता है कि कभी भी अगर हम दो साइड्स को प्लस करें तो वो कभी भी ग्रेटर होता है, पर टेस्ट बुक क्वेश्चन में हम लोग को बोला है वो लेस होता है, ऐसा बोला है, हम लोग को चेक करने बोला है, टेस्ट बुक में लेस दिया, पर ये हम लोग को बस ऐसे ही हम लोग को एक ट्रायल के लिए हम लोग को बोला था कि ऐसे 5 ट्राइंगल बनाओ, कभी भी कितने भी ट्राइंगल्स बनाए, कितना भी बड़ा बड़ा मेजर ले ले, कभी भी जो सम अगर हम कोई भी दो साइड का सम करेंगे तो वो जो थर्ड साइड होगा उससे कभी भी ग्रेटर ही होता है। तो यहाँ पे मैंने एक बार उसको इंग्लिश में लिख दिया, फ्रॉम द 5 ट्राइंगल वी गेट द आइडिया दैट द सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके हैं, तो अगर मेरे वीडियो से आप लोग को कुछ नॉलेज मिला तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।